हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 3.5 ग्राम ऑफ डिसॉल्व प्रोटीन इन 0.05 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज 0.035 एटमॉस्फियर एट 310 केल्विन। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन, आर वैल्यू इज गिवन। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट देख लेते हैं। की कंसेप्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज पाई, इसकी वैल्यू क्या होती है? ऑस्मोटिक प्रेशर इज सी आर टी। तो पाई इक्वल्स टू सी आर टी। पाई की वैल्यू मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू क्या गिवन है? 0.035। तो हम इसको लिख सकते हैं 35/1000 इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन इज गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास इज 3.5, मोलर मास वी डोंट नो, वी हैव टू फाइंड इट। मल्टीप्लाई आर वैल्यू इज 0.0821, मल्टीप्लाई टेम्परेचर इज 310 केल्विन, और जो कंसेंट्रेशन की वैल्यू होती है, कंसेंट्रेशन इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास मल्टीप्लाई वॉल्यूम भी होती है यहाँ पे डिवाइड बाय। तो वॉल्यूम इज 0.05 लीटर, मीन्स वी कैन से इट इज 50 ml। तो यहां से अगर हम मोलर मास फाइंड आउट करें तो दैट विल बी 3.5 को हम लिख लेंगे 35/10 मल्टीप्लाई 0.0821 मल्टीप्लाई 310, यहाँ पे था 50 और 35/1000 इधर आ जाएगा 35 और ये आ गया 1000। सो इफ वी जस्ट कैलकुलेट इट तो हमारे पास सो मोलर मास ऑफ द प्रोटीन विल बी 50.902 ग्राम्स। So this is the final answer. Hope you find your answer and understood well. Best of luck.